जारी की है उनमें मौजूदा दो सौ इक्यानवे सांसदों में से एक सौ एक सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं बीजेपी ने पहली लिस्ट में तैतीस दूसरी लिस्ट में तीस पांचवी लिस्ट में सैतीस और छठी लिस्ट में एक मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं इनमें से कई राज्य के मंत्री भी शामिल है वहीं दूसरी और पार्टी ने इस बार कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी चुनाव मैदान में उतारा है इनमें शिवराज सिंह चौहान विप्लव देव और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सबानंद सोनोवाल शामिल है इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर चर्चाएं हो रही है की उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से तो, तो वहीं विप्लव देव को त्रिपुरा की पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाया है लेकिन बीजेपी के लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम नहीं है ऐसे में सियासी गलियारों में खासी चर्चा है कि क्या बीजेपी वसुंधरा राजे को आगे नहीं बढ़ाएगी या फिर वे राजस्थान की ही राजनीति में रहेंगी बीजेपी ने वसुंधरा राजे के बेटे और मौजूदा सांसद दुष्यंत सिंह को झालावाड़ सीट से फिर से रिपीट किया है राजस्थान में टिकट वितरण से पहले माना जा रहा था कि बीजेपी वसुंधरा राजे को लोकसभा चुनाव लड़ाकर केंद्र की राजनीति में लाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ राजस्थान में सियासत बीजेपी के गलियारों में यह चर्चा और जोर पकड़ती जा रही है कि वर्तमान में बीजेपी में वसुंधरा राजे की नहीं चल रही इसका ताजा उदाहरण है प्रलाद गुंजल का बीजेपी का का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाना और गुंजल को राजे कट्टर समर्थक माना जाता है लेकिन बीजेपी ने गुंजल की टिकट नहीं दिया जिसके बाद गुंजल कांग्रेस में शामिल हो गए लेकिन राजे की तरफ से इसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं आई कोई प्रतिक्रिया नहीं जिससे साफ जाहिर है कि राजे की गुंजल के इस फैसले को लेकर मौन समर्थन था इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि वर्तमान बीजेपी में वसुंधरा राजे की नहीं चल रही है इसका असर तब दिखा जब राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन करना था जब चुनावी नतीजे आए थे और बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ उसके बाद वसुंधरा राजे के समर्थन में कई विधायक इकट्ठा हुए उन्होंने वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग की लेकिन ऐसा नहीं हुआ उस दौरान गुंजल ने भी सीएम के नाम पर राजे का खुला समर्थन किया था लेकिन बीजेपी ने भजन शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया वही एक चर्चा यहाँ यह भी है की वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में ही रहना चाहती हैं और वर्तमान में वह राजस्थान से विधायक हैं और वह दिल्ली नहीं आना चाहती ऐसा उन्होंने आला कमान को बता दिया था लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर वह राजस्थान की राजनीति करना चाहती हैं तो क्या वह केवल विधायक पद से संतुष्ट हैं भाजपा ने चूरू लोकसभा सीट से सांसद रहे राहुल कस्बा का टिकट काट दिया और कस्बा परिवार पिछले तैतीस सालों से यहाँ पर बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहा था लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका ही टिकट काट दिया जिसके बाद कस्बा कांग्रेस में शामिल हो गए कस्बा राजेंद्र ने विधानसभा चुनाव में भीतरघात करने का आरोप भी लगाया था जिसके बाद से और कस्बा के बीच बयानों के बांट चल रहे हैं राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे की अदावत किसी से छुपी नहीं है ऐसे में राहुल कस्बा का टिकट काट बीजेपी ने वसुंधरा को एक संदेश दिया है इसकी भी चर्चा हो रही है इन सब घटनाक्रम के बाद एक चर्चा आम है कि क्या अब बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में महारानी की एंट्री होने वाली है या नहीं ये तो केवल वक्त ही बता पाएगा फिलहाल के लिए इतना ही देखते रहे पंजाब के राजस्थान में रेलिजा के साथ नमस्कार